ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मस्ती रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी बुक स्पेशल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो स्पेशल बुक बनाया गया है विपिन यादव सर के तरफ से, उस बुक का हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और उसमें स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ और चलेंगे सीए यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तक। अगर आप लोग बुक नहीं देखे तो चलिए एक झलक आपको बुक का दिखला देते हैं। और ये देख लीजिए, यही वो बुक है जिसमें लिखा है कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी मैथमेटिक्स स्पेशल, जिसमें 3000+ क्वेश्चंस दिया गया है और इसमें 10 मॉडल पेपर भी दिया गया है। अगर आप लोग को इस बुक का रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका रिव्यू भी दिखा देंगे। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, एकदम बेसिक से हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो हम लोग शुरुआत से ही फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर तो क्वेश्चन हम लिख ही देंगे और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आएगा। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है ना वो मौसम का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले दो क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा और तीसरा, उसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा उसको चलिए हम लोग एकदम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है कहता है कि 15, 25 और ये 29, इसका क्या कहता है कि आप एलसीएम ज्ञात कीजिए और ऑप्शंस के साथ में आपको दिया गया, और कब ये क्वेश्चंस पूछा गया है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम आप तीन तीन तरह से निकाल सकते हैं। एक तो साइलेंट मेथड आता है, एक प्राइम फैक्टर मेथड आता है, एक और भी मेथड आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे ना प्राइम फैक्टर मेथड से, क्योंकि आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट तो जानते ही है कि ऐसे ऐसे करके लगा देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइलेंट मेथड, ठीक है। तो हमको इसको ऐसे नहीं बनाना है, हम लोग इसको बनाएंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। तो चलिए इसका पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 3 गुना 5, ठीक है। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुना 5, यानी 5 25। लेकिन जब इसका अगर फैक्टर तोड़िएगा तो ये 1 गुना 29 आ जाएगा। तो अब देखिए, जब सबका फैक्टर तोड़ लिए तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 के पावर क्या हो जाएगा, 2। फैक्टर मेथड से ऐसे बनाते हैं, और 1 3 लेंगे और 1 29 है तो ये 29 भी लेंगे। तो जब इसका अगर गुना करेंगे तो ये 5 25 25 किया कितना हो जाएगा 75, और 75 और 29 को जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 21 और 75 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 25 25 75 और 75 और 29 को जब गुना करेंगे तो ये 21 75 आ जाएगा, और यही फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर्स आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपके स्क्रीन पर अब ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कब पूछा है ये भी दिखाई दे रहा होगा, और कौन कौन से ऑप्शन से ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इसको भी सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, क्योंकि यहाँ भी बोल रहा है आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम ही आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चंस में दिया क्या है, आपको देख सकते हैं 18, 33 और 37 दिया हुआ है, कितना 18, 33 और ये 37 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका बोलता है एलसीएम निकालने के लिए, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, फैक्टर मेथड से ही बनाएंगे। तो इसका चलिए फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 2 गुना 3 गुना 3 हो गया, और इसका चलिए तोड़ेंगे तो 3 और गुना कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 3 33, और इसका तो आप लोग जानते ही है कि 1 गुना 37 होगा, क्योंकि इसका कोई गुना वाला फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। तो इसको 1 गुना 37 कर दिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला लेंगे 2, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुना, ये इसमें लेंगे फिर 2 और फिर लेंगे 11 और फिर लेंगे कितना 37 ले लेंगे, और यही हो जाएगा मेरा एलसीएम। तो आप गुना करके जो आ जाएगा वही क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर। या देखिए 3 3 9, 9 2 18, 18 और 11 को गुना करेंगे यही ना आएगा दोस्तों। देखिए ये 3 के स्क्वायर, यहाँ पर 2, फिर लेंगे 11, फिर लेंगे 37, तो 3 के स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 2 18, 18 और 11 को गुना करेंगे तो 198। और जब 198 और 37 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 और 37 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जितना आएगा उतना ही आ जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और हम लोग लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दरअसल तीसरा नहीं पहला क्वेश्चन ही था, लेकिन हम इसको तीसरा क्वेश्चन बना के दिए, क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये है मौसा का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मौसा निकालने के लिए बोल रहा है, और वो दोनों जो था वो इसमें एलसीएम निकालना था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3050 तथा 5200 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 9 बचता है, यानी कि 350 को अगर विभाजित करेंगे तो 7 शेष बचेगा, और 5200 को अगर हम विभाजित करेंगे तो उसमें 9 शेष बचेगा, ठीक है। तो देख लीजिए,
ये आ गया 3050 और एक है 5200। इसको अगर विभाजित करेंगे तो 7 शेष बचेगा और इसको करेंगे तो 9 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 माइनस और इसमें क्या कर देंगे 9 माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा घट के 30 और ये आ जाएगा 43 और यहाँ से आ जाएगा 51 और 91। और बड़ी से बड़ी है इसका मतलब है कि हमको मौसा निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए मौसा कैसे निकालते हैं, तो मौसा निकालने के लिए 5191 है ना, इसमें हम क्या कर देंगे 30 और 43 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे और चलिए मौसा कर देते हैं। और मौसा जो लास्ट में निकल के आएगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये एक से लगेगा तो लगा देते हैं, ये 30 और ये 43 देख लीजिए, 11 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 8, ये बच गया 8, 8 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा ये 4, यह 1, तो 1 का 1 के उतरेगा और यहाँ पर है 5 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 21 और 48। फिर देख लीजिए ये 30 और ये 43, फिर एक से ही लगेगा तो लगा देते हैं ये 21 और ये 48, ठीक है। फिर माइनस देख लो, यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये 13 में से 8 गया तो 8 और 5 ये बच गया 3, तो फिर 13 में से जो 4 जाएगा तो आ जाएगा 9 और ये है 9, तो 9 में से 1 गया तो आ जाएगा 8 और ये तो कटिया जाएगा तो आ जाएगा 895। अब देख लीजिए यहाँ पर 21 और 48, अब देख लीजिए एक मरतबा नहीं, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा दो मरतबा, तो दो में जाएंगे तो 5 दुना हो जाएगा 10, 9 दुना हो जाएगा 18, 18 एक 19 और 8 दुना 16, 16 एक हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1700 और माइनस कर देते हैं तो 8, ये आ जाएगा 14 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 9 और 5 और फिर आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 आ जाएगा तो इसमें से करेंगे तो 10 में 7 गया तो आ जाएगा 3। अब फिर देख लीजिए ये 895 अट गया, फिर दो से क्या करेंगे इसमें भाग, क्योंकि दो से लगेगा तो दो से लगेगा ये आ जाएगा 8 दुना 16 के 6 और ये 5 दुना कितना आ जाएगा भाई, 5 दुना आ जाएगा 10, 10 एक 11 और 3 दुना आ जाएगा 6 तो 6 एक 7, 7 से 16। फिर माइनस करेंगे इसमें तो देखो 15 में से 6 गया तो हो जाएगा 9, ये बच गया 8 में से 1 गया तो हो जाएगा 7 और ये तो 1 होगा ही, ठीक। अब इसमें देखो 358, फिर दो से कर दो तो ये 358 का 58 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि इसका जो मौसा आएगा दोस्तों अगर दिख रहा हो तो ये 179 आएगा, ठीक है। और इसका आंसर फाइनली यही हो जाएगा, कितना 179 इस वाले क्वेश्चंस का था। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग मिटाते हैं, देखिए एकदम सारा सॉल्यूशन सब करने वाले हैं। अगर आप लोग के पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ ही जाता है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बोलिए, हम इसको बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपके स्क्रीन बोर्ड पर लेते हैं चौथा क्वेश्चन इसको मिटा के। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक समूह में क्या है 8 को बच्चा है और एक दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं, एक दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले क्या है पैकेट्स है, तो 12। अब देखो प्रत्येक बच्चों को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या यानी दोस्तों हमको यहाँ पर भी एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहला देखिए इसमें क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन में 12 और 8 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। जब 12 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो देख लीजिए आप कितना आ जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे 6 और यहाँ लगाएंगे 4, फिर देखो दो से लगाएंगे तो ये 3 और ये 2, 3 दुना 6 दुना 12 दुना 24, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। लेकिन जब इसको न्यूनतम संख्या में अगर बांटना हो, ठीक है, जब न्यूनतम संख्या में बांटना है तो हम इसको भाग कर देंगे कितना से भाई 12 से, देख लो भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि प्रत्येक को जो वितरण मिलेगा वो कितना मिलेगा दो दो पैकेट, तो यही आ जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, अब इसको भी मिटाते हैं और लेते हैं अगला पांचवा क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर पांचवा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो लिए हुए हैं, और देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जितना आगे जाएंगे उतना ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को कितना स्टेप में बनाना पड़ेगा आप खुद देखिए, ठीक। कहता है कि यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है, कहता है कि यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से अगर विभाजित करते हैं तो शेष जो आता है वो 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो आप x का 150% निकाल लिया। अब जो x का जो मान आएगा ना उसका भी हमको 150% निकालना है, यानी कि 150%। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का, तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिए ना, इसमें आप 6, 7, 8, 9 और 12 को क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 6, 7 देख लीजिए 6, 7, 8, 9 और 12, तो 6, 7, 8, 9 और यहाँ है 12। अगर इसका हम देखिए एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले कितना आ जाएगा आप खुद देख लीजिए, तो दो से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 और ये 6 हो जाएगा। फिर देख लीजिए दो से लग रहा है तो दो से लगा देंगे हम आराम से, ये कट रहा है दो से
और ये नहीं कट रहा था लेकिन ये कट रहा है। आप दो से नहीं करने वाला तीन से लगाते हैं, तीन इकाएँ तीन सात तो सात रहेगा, दो तो दो रहेगा, तीन तीन नौ, तीन इकाएँ तीन। अब कोई नहीं कट रहा है तो देखिए इसका हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो दो दूना चार, चार तीन बारह, और बारह दूना चौबीस, चौबीस तीन बहत्तर, और बहत्तर सत्तर। तो देख लो ये बहत्तर और गुने ये सात करेंगे तो सात दूना चौदह के चार, और सात सत्ते उनचास और एक पचास, यानी कि पाँच सौ कितना आ गया, चार। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जब हम छः सात आठ क्या कर रहा है कि छः सात आठ और यहाँ नौ और ये बारह है, ठीक। जब इतना इतना और इतना इतना से हम अगर भाग कर रहे हैं ना, तो मेरा जो शेष बच रहा है वो दो तीन चार, दो तीन चार पाँच और ये आठ बच रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समान यानी कि समान शेष में कितना है, चार। सब में आप देख लीजिए समान शेष एक ही बच रहा है, कितना बच रहा है, चार। क्योंकि आप घटा के देख लीजिए, ये जो है ये 12 में से 8 घटेगा तो ये 4 आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 आएगा, और ये 8 में से 4 जाएगा तो ये, यानी कि अब हर केस में आपको दिख रहा है कि 4 शेष ही बच रहा है। और इसका जब हम एलसीएम निकाले हैं तो इसका जो एलसीएम आया है वो आया 504, यानी कि अगर 504 में से अगर इस 4 को हम अगर हम माइनस कर देना तो जब हम इससे भाग करेंगे तो इतना ही शेष आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए तो 504 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो मेरा जो फाइनली है ये 500 निकल के आएगा, ठीक। तो x का जो वैल्यू अब निकल के आ गया 500। अब आप चेक कर लीजिएगा 500 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो मेरा दो शेष आएगा ही आएगा, डेफिनेट। ये नहीं, ये शेष आएगा, क्योंकि यही ना बोल रहा कि अगर इससे हम भाग करेंगे तो ये शेष बचेगा, और इससे भाग दीजिएगा तो ये शेष आएगा, और इससे भाग दीजिएगा तो ये शेष आएगा, समझ गए ना बात। तो आप देख लीजिए अब इसका बोल रहा है आपको क्या करने के लिए, 150% निकालने के लिए। तो जब हम 500 का अगर 150% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। तो 500 का आपको निकालना है 150%, तो 150 बटा में कर दीजिए आप 100, ठीक है, बस हो गया, वही हो गया 150 पे। मान लो 5% निकालने के लिए बोलता तो आप क्या करते, 5 बट्टा में 100 करते, लेकिन यहाँ पर 150% निकालना है तो 150 बट्टा में 100 करेंगे, ठीक है। तो काट दीजिए, कट रहा है तो इसको काट देंगे। अब ये 15-25 हो गया 75, यानी कि 750 जो है मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए 750 इसमें है क्या कहीं पे, देख लीजिए ए ऑप्शन जो है मेरा राइट हो गया। तो चलिए अब हम लोग रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चंस, आज पांच ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी आगे बहुत बहुत क्वेश्चंस करने वाले, पांच पांच क्वेश्चंस ही करेंगे तो महीने में हम लोग 150 क्वेश्चंस पढ़ जाएंगे, तो यानी कि ये बुक खत्म। तो इस बुक को हम बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे, तो आप लोग बने रहिए। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक मेरे से तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़िए, और पूरे बुक का सोल्यूशन एकदम मुफ्त में लीजिए। तो चलिए अब